हेलो बच्चों, रेडिस क्लासेस 247 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेकंड लेक्चर किसका, तो बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए साइंस क्लास 10 का जो फिजिक्स चैप्टर 1 है प्रकाश का प्रवर्तन, उसका सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। तो पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिविजन करवा देते हैं आपको, उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए बोर्ड पर चलने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चे, हमने पढ़ा था पिछले जो लेक्चर है उसमें प्रकाश क्या होता है। प्रकाश मतलब क्या होता है कि वह चीज जो हमें किसी चीज को देखने में मदद करता है, यानी कि जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी सहायता से हम लोग कोई वस्तुओं को देख सकते हैं। हाँ, इसके लिए एक और चीज चाहिए जो कि है आपका आंख, यानी कि दो चीज का जरूरत पड़ता है। तो प्रकाश मतलब समझ में आ गया, प्रकाश क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इनेबल अस टू सी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन आफ्टर था आपका प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या होते बच्चे, प्रकाश के स्रोत की अगर बात करते हैं तो प्रकाश के स्रोत क्या है, जहां से भी प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से भी प्रकाश निकलता है उनको स्रोत कहा जाता है। जैसे सूरज से निकलता है, सूरज को बोल सकते हैं एक तरह से स्रोत है, वैसे लालटेन, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, इन सभी को बोला जा सकता है कि ये हमारे प्रकाश के स्रोत है। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है जो आप बोल सकते हो जिसको बोलते हैं मैन मेड, यानी कि मानव निर्मित, ठीक है, यानी कि नेचुरल जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया, जैसे कि सूरज, ठीक है। उसी तरह से आप मानव निर्मित की बात करते हो, बल्ब हो गया, एलईडी हो गया, ये सब आपका प्रकाश के स्रोत है जो कि मानव निर्मित है। उसके बाद हम लोग देखे थे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि जिस किसी से भी पदार्थ मतलब कि प्रकाश निकलता है उसको बोला जाता है प्रदीप्त, यानी कि जैसे मान लो कि यहाँ पे सूरज है तो सूरज से प्रकाश अपना नहीं कर रहा, खुद का जिसका प्रकाश होता है उसको प्रदीप्त यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है, और जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, हम लोग में से खुद प्रकाश थोड़े नहीं कर रहा है, तो हम लोग की क्या होगा, एक तरह से नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहला जाएगा। एक होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या था, तो प्रकीर्णन की बात करते हैं, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जब लाइट बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से टकराते हैं तो क्या करता है वो कण, क्या होता है वो अब उसको थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को और बाकी सबको फैला देता है चारों तरफ। तो ये जो फैलाने का जो प्रक्रिया है, यानी कि जो लाइट का जो फैलने का जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या तो उसको बोल सकते हैं प्रकीर्णन बोला जाता है। तो अगर पहला वीडियो नहीं देखे तो उसको मैं डिटेल में आपको बता दिया हूं, फर्स्ट लेक्चर में आप उसको देख लीजिएगा। चलिए आज बच्चे हम लोग पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर जो लेक्चर है उसका, आज का टॉपिक क्या क्या हमने रखा है वो समझिए। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश की किरणें, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें क्या होते हैं, प्रकाश की किरणें किसको कहा जाता है, अब देखिए बात समझिए। प्रकाश की किरणें क्या होता है, बोला जाता है कि जो लाइट होता है उसके पास दो नेचर होता है, एक तो होता है कि वो स्ट्रेट चलता है, पार्टिकल नेचर होता है, और दूसरा तो वेव नेचर, यानी कि वो मुड़ भी सकता है। तो जो स्ट्रेट चलने का, एक सरल रेखा में चलने का जो प्रोसेस हुआ, या तो बोल सकते हैं जो इसका एक तरह से बोल सकते हैं कि इस सरल रेखा में चलने का प्रवृत्ति कहने का मतलब इसका प्रॉपर्टी जो हो गया उसको बोला जा सकता है एक तरह से प्रकाश का किरण बोल सकते हैं। यानी कि प्रकाश का किरण का डेफिनेशन भी हमने लिख रखा है आपके लिए, कहता है कि एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को ही प्रकाश का किरण बोलते हैं, दैट इज रे बोला जाता है, ठीक है। ऐसे मैथ में आप रे पढ़े होंगे, यानी कि किरण के बारे में पढ़े होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन में जो एक ही इंड पॉइंट जिसका होता है उसको रे बोला जाता है, इस प्रकार से आप रे की बात करते थे, ठीक है। ये रे होता है, मान लो कि ए और बी होता है ना, ये रे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक सरल रेखा में चलने वाले जो किरण है, किरण ज्यादातर ऐसे ही सरल रेखा में ही चलते हैं, तो इसको बोला जा सकता है रे बोला जा सकता है। सरल रेखा में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल ही चलेगा, ऐसे भी चल सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यह बात समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है हमारा प्रकाश का किरण। अब देखिए प्रकाश के किरण के बाद होता है आपका प्रकाश पुंज, यानी कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश पुंज की बात करते हैं तो देखिए बीम ऑफ लाइट को बोला जाता है प्रकाश पुंज। जैसे देखिए यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि बीम मतलब क्या हुआ, एक बैंड है, एक बैंड कहने मतलब बहुत सारे रेज जब आपस में साथ साथ चल रहे हैं ना, तो उन सभी रेज को क्या बोला जाता है, एक तरह से किरण पुंज बोला जा सकता है। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है कि जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, सॉरी यहाँ पे कहता है प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज बोला जाता है। प्रकाश के जो भी किरण है उन सभी का समूह को बिलना दिया जाए तो प्रकाश पुंज बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि इस प्रकार से प्रकाश बहुत सारे किरण हैं तो ये सबको पुंज बोल सकते हैं, ठीक है। तीन प्रकार के पुंज होते हैं,
टाइप्स ऑफ कोन्स की बात करते हैं तो तीन प्रकार के हैं। कितने हैं? तीन प्रकार के। एक होता है अपसारी, दूसरा होता है समांतर, तीसरा होता है अभिसारी। तो सबसे पहले हम लोग अपसारी की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जिंग कहने का मतलब होता है डाइवर्ज कर जाना, यानी कि फैल जाना। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे मिरर के बारे में भी, डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर जो भी होता है। तो इसमें डाइवर्जिंग कहने का मतलब जो फैल जाता है, एक बिंदु स्रोत से चारों तरफ फैल जाने का जो प्रवृत्ति होता है ना, उसको बोला जाता है डाइवर्जिंग। तो इस तरह का जो पुंज होते हैं, इस तरह का जो बीम होता है, उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग, यानी कि अपसारी किरण बोला जाएगा। किरण पुंज है ये, ठीक है, किरण पुंज इसको बोला जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक बिंदु है, यहाँ से मान लो कि एक ओ बिंदु है, और इसी बिंदु से बहुत सारे रेज आपस में निकल रहे हैं, ऐसे करके निकलते जा रहे हैं। तो इसको बोला जा सकता है कि कैसा पुंज है ये, तो ये आपका अपसारी है, यानी कि डाइवर्जिंग है, एक जगह से दूर फैल रहा है, ऐसे करके दूर फैल रहा है। तो लिखा भी हमने कि जिस किरण पुंज से में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती है या तो फैलती जाती है, उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा होता है समांतर किरण पुंज। समांतर का मतलब होता है कि पैरेलल, ठीक है, समांतर का मतलब क्या होता है? पैरेलल, यानी कि सबके बीच में जितने भी रेज हैं उसके बीच में डिस्टेंस क्या होता है? समान होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं, यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोला जा सकता है। देखिए यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका? समान है। इस प्रकार से जो किरण पुंज बनते हैं बच्चे, वो सब क्या कहलाते हैं? आपका समांतर किरण पुंज कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं समांतर के बाद अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज क्या है? अभिसारी कहने का मतलब क्या होता है ना कि अभिसारी में होता है कि कन्वर्जिंग होता है, यानी कि बहुत सारे रेज आकर के एक पॉइंट पर मिल रहा है या तो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो उस तरह के जो किरण पुंज होते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? अभिसारी, यानी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। जैसे देखिए वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। यहाँ पे जैसे देखिए एक बिंदु हमारे पास है P, और इस P पर आकर के ये सारे किरणें क्या हो रहे हैं? आपस में यहाँ पे एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहा है या तो मिलता हुआ प्रतीत भी होगा, तो इसके केस में आप इसको बोल सकते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो समझ में आ गया होगा ये जितने भी आज का टॉपिक है वो सब। चलिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको करवा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें? प्रकाश के किरण क्या होता है। तो प्रकाश के किरण अगर एक समांतर रेखा में कोई किरण चलता है, मतलब कि प्रकाश चलता है, तो उन सभी को क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण बोला जाता है, यानी कि रेज बोला जाता है। दूसरा होता है किरण पुंज, यानी कि बहुत सारे किरण एक साथ मिल गया, यानी कि ग्रुप ऑफ बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ जो रेज है उन सभी को क्या बोला जाता है? किरण पुंज बोला जा सकता है। किरण पुंज तीन प्रकार के हो गए, एक हो गया अपसारी, ठीक है, दूसरा होता है समांतर, तीसरा होता है अभिसारी। अपसारी कहने का मतलब जिसमें क्या होता है कि एक बिंदु से बहुत सारे किरण निकल रहे हैं और फैलते जा रहे हैं, उसको अपसारी बोलेंगे। उसके बाद समांतर में तो बहुत सभी किरणें क्या होता है? एक समान मतलब कि दूरी पर चलती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद होता है अभिसारी, जिसमें क्या होता है कि एक ही बिंदु पर बहुत सारे किरण आकर के मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो उस तरह के जो किरण है, किरण पुंज है, उसको क्या बोला जाता है? अभिसारी किरण पुंज बोला जाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। ये लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और भी ऐसे वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय।